दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी पट्टू पावड़ा कैसे बनाते हैं। जैसे ये इसका मैं स्कर्ट बनाऊंगी और इसका ब्लाउज बनाऊंगी और ये 6 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्कर्ट की कटिंग करते हैं और इसका मेजरमेंट बताते हैं क्या है। जैसे ये क्लॉथ लिया है मैंने, डिजाइनर क्लॉथ है, और ये लाइनिंग लिया है। तो सबसे पहले लाइनिंग कट करेंगे और उसके बाद हम ये डिजाइनर क्लॉथ कट करेंगे। जैसे पावड़ा की लेंथ है 32 इंच और इसका वेस्ट है 24 इंच। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई कटिंग करते हैं। जैसे पावड़ा की फुल लंबाई है 32 इंच, तो इसमें हम जो ऊपर बॉडी अटैच करेंगे वो 8 इंच की अटैच करेंगे और 1 इंच हम स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे, तो हम 9 इंच लेंगे। तो इसके पहले बॉडी लेते हैं 9 इंच। जैसे ये बॉडी मैंने कट कर लिया सेपरेट, अब इसमें हम 8 इंच माइनस कर देंगे 32 में और उसके हिसाब से इसकी लेंथ लेंगे। जैसे मैंने 8 इंच माइनस कर दिया 32 इंच, अब इसमें हम अंदर फोल्ड करेंगे, उसके लिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया फोल्डिंग के लिए और इसको मैं इस तरह से डबल कर दूंगी। और जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट करते हैं। अभी इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इसमें हमको कोई शेप नहीं देनी है, जस्ट यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे और जो ये क्लोज है इसको कट कर देंगे। ये लाइनिंग कट कर लिया है, इसके 2 पार्ट कर दिए। अभी इस तरह से ही मैं कपड़ा भी कट करूँगी। जैसे कि ये डिजाइन है तो ये स्ट्रेट लेना है हमको। जैसे कि ये कपड़ा मैंने 2 मीटर लिया है और इसको भी डबल फोल्ड कर लिया है। अभी इसको 4 फोल्डिंग करेंगे। जैसे कि इस कपड़े को मैंने 4 फोल्डिंग कर लिया है और जैसे कि लाइनिंग कट कर लिया था, सेम हम इसको भी कट करेंगे। लाइनिंग से हम 1 इंच इसको एक्स्ट्रा लेंगे क्लॉथ को। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आप नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे उसको ओपन कर सकते हैं और नीचे बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो इसको मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और उसके बाद जो जितना एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट कर देते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा क्लॉथ कट कर दिया। जैसे कि लाइनिंग भी 4 फोल्डिंग है और ये क्लॉथ भी 4 फोल्डिंग है। जैसे कि हमने इसको कट कर लिया है, अभी इसको मैं बताती हूँ आपको ये बॉडी ब्लाउज जो हम ऊपर कट करेंगे उसका मेजरमेंट। जैसे कि हम नॉर्मल स्कर्ट बनाते हैं तो यहाँ पर नेफा लगाते हैं, लेकिन हम इसमें नेफा नहीं लगाएंगे। इसमें हम 8 इंच ऊपर बॉडी अटैच करेंगे, जैसे को बच्चे को शोल्डर से इसको पहना सकते हैं आप। और इसके ऊपर जो हम ब्लाउज स्टिचिंग करेंगे वो ये ब्लाउज रहेगा जो कि इसके ऊपर आएगा। तो अब इसका कटिंग बताते हैं। तो जैसे मैंने इसको 9 इंच लिया है और इसको अभी 4 फोल्डिंग कर दिया है। जैसे बच्चे का शोल्डर है 10 इंच, तो हम इसको 5 इंच लेंगे, मुड्डे लेंगे 4.5 इंच, चेस्ट है 26 इंच। तो इस तैयार में जो हम रखेंगे तो 6.5 इंच आएगा और इसमें हमने 2 इंच प्लस कर दिया है, तो हमारा ये तैयार साइज है और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। और 1.5 इंच की गुलाई देंगे।
ये हमारा स्लीवलेस रहेगा और नीचे का इसमें हम कोई स्लीव नहीं अटैच करेंगे, जो ब्लाउज आएगा उसमें स्लीव अटैच करेंगे। नेक है 5 इंच, क्यों जिसमें हम दोनों आगे पीछे एक बराबर रख सकते हैं, आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, जो हम इसकी गहराई ले रहे हैं 2.5 इंच है, शोल्डर से भी 2.5 इंच लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। जैसे राउंड शेप करना है तो 1/2 इंच की इसको हम गुलाई देंगे। जैसे ही वन साइड क्लोज है इसको कट कर देते हैं। जैसे ये सेंटर है तो यहाँ पे हम सेंटर एक पॉइंट दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको प्लेट डालनी है आगे पीछे, ये सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पे हम कमर में प्लेट डालेंगे आगे पीछे दोनों साइड, तो सेंटर से 2.5 इंच लेंगे और सेम 2.5 इंच दूसरा साइड, और जो प्लेट डालेंगे वो 3 इंच के डालेंगे। अब जो हमने ये पॉइंट दिए हैं तो इसको भी हम इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ पे भी एक पॉइंट दे देंगे, जिससे कि आगे पीछे दोनों साइडों में बराबर प्लेट आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे प्लेट आएंगी, ये हमारा सेंटर है। और ये जो नेक है इसमें हम नेक पट्टी नहीं लगाना है, जस्ट पहले शोल्डर हम स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर स्टिचिंग करने के बाद सेम क्लॉथ को ही हम यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल फोल्ड कर देंगे। नॉर्मल फोल्ड करके और जो स्लीवलेस है इसको भी आप पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसको भी हम इसी तरह से स्टिचिंग डाल देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम दूसरा ब्लाउज बनाएंगे। फिर जैसे हमारी ये ब्लाउज आएगा इसमें हम बैक साइड कट कर देंगे और इसमें 1 हुक्स डाल देंगे, जिससे को बच्चे को पहनाने में इजी रहेगा। तो बैक साइड में हम कट कर देंगे, सेंटर में कट करने के बाद यहाँ पे 1 हुक्स डाल देंगे। जैसे हमको इसको अटैच करना है तो जो लाइनिंग हमने कट किया है लाइनिंग को भी, जैसे 4 इसके 2 पीस हैं तो इसको भी हम साइड से सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद लाइनिंग को हम इसके अंदर रखेंगे, जो कि इस तरह से आएगा। जैसे जो लाइनिंग है और ये क्लॉथ, पहले दोनों को लाइनिंग के साथ में इसको अटैच कर देंगे पूरा राउंड में। अटैच करने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से, जितना हमारा जैसे कमर है इसका 22 इंच, 22 इंच के लिए हम ये 4 इंच लेंगे, 4 इंच पर एक प्लेट डालेंगे। जैसे 4 इंच लिया है, 4 इंच पर 2 इंच की हम 2 इंच इधर से क्लॉथ लेंगे, 2 इंच का एक प्लेट डालेंगे। तो जो प्लेट डालेंगे हम वो इस तरह से डालेंगे, इस प्लेट डाले आप इसको 3 इंच तक एक पॉइंट दे दे और इसके ऊपर एक स्टिचिंग डालेंगे स्टार्टिंग से लेके 3 इंच तक स्ट्रेट। इसी तरह हम पूरे क्लॉथ में कमर के हिसाब से इसमें प्लेट डालेंगे। तो ये इस तरह से हम पूरे में प्लेट डालते हैं। जैसे हम प्लेट डालेंगे, प्लेट डालने के बाद ये इस तरह से आएगा, 3 इंच तक प्लेट रहेगी, वहाँ से पूरा ये ओपन रहेगा, यहाँ तक क्लोज रहेगा 3 इंच तक। और जो हमने नीचे एक्स्ट्रा लिया है उसको हम नीचे फोल्ड कर देंगे और आप चाहें तो इस पर बॉर्डर भी लगा सकते हैं। साइड से इस ब्लाउज को भी फिटिंग दे देंगे, जैसे कि मैंने नेक बताया आपको उसी तरह करना है। यहाँ पे हम बैक साइड में हुक्स लगाएंगे और फिर इसके साथ में हम इसको अटैच कर देंगे स्कर्ट के साथ। तो ये ऊपर से हम बच्चे को पहनाएंगे, शोल्डर से पूरा नीचे तक फुल लेंथ में आएगा और इसके ऊपर हम ये दूसरा कलर ब्लाउज है इस ब्लाउज को स्टिचिंग करेंगे। तो इस ब्लाउज की भी आपको कटिंग बताते हैं। तो जब हम बच्चे को पहनाएंगे तो वो इस तरह से आएगा इसको,
ये ऊपर ब्लाउज रहेगा, नीचे स्कर्ट रहेगा। जो हमने ये स्लीवलेस बनाया है जो ऊपर के लिए, ये दिखाई नहीं देगा, ये अंदर चला जाएगा। जैसे हमने पावड़ा कट कर लिया था, उसी का ये ब्लाउज है। तो मैं आपको ब्लाउज की कटिंग दिखाती हूँ। पहले हम लाइन पर कट करेंगे, उसके बाद ड्राफ्ट बना के सेम हम ब्लाउज पीस में कट करेंगे। जैसे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो जो लाइनिंग है हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद 14 इंच लेते हैं इसको और 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रहे हैं स्टिचिंग मार्जिन के लिए, तो 14.5 इंच ले रहे हैं। अब सेम इसको हम डबल कर देंगे, तो एक साथ हमारे दोनों पीस कट हो जाएंगे। शोल्डर है 10 इंच और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं स्टिचिंग मार्जिन के लिए, हम 5.5 इंच ले रहे हैं। मुड्डे रखेंगे 5 इंच। चेस्ट है 26 इंच, तो जो हम तैयार में रखेंगे तो 6.5 इंच आएगा और इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे। गुड्डे की गुलाई देंगे 1 इंच और ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। जैसे फ्रंट नेक है 4 इंच, पहले हमें ये गुड्डे की गुलाई देंगे। जैसे हमारी ये एक्स्ट्रा है और ये हमारा स्टिचिंग मार्जिन है जो हमने 2 इंच प्लस किया है, और ये हमारा तैयार साइज आएगा। और इसको हम स्लीवलेस बना रहे हैं, आप चाहे तो इसमें स्लीव भी अटैच कर सकते हैं। अब नेक शोल्डर से 2 इंच लेंगे और जैसे मैंने अपने साथ लगाया सेम पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब नेक में कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इसमें राउंड शेप दे रही हूँ, तो इसमें 1/2 इंच की गुलाई देंगे। और इसमें बैक साइड में हम ओपनिंग रखेंगे, जो हुक्स रखेंगे वो बैक साइड में रखेंगे। तो पहले हम इस ड्राफ्ट को कट करते हैं। दोनों पीसों को अलग कर देते हैं। जैसे मैंने फ्रंट में नेक का पॉइंट दे दिया, सेम पॉइंट पर कट करेंगे। और जैसे इसमें एक्स्ट्रा गुलाई देनी है फ्रंट की तरफ, तो हम 1/2 इंच की एक्स्ट्रा गुलाई देंगे। इसमें यहाँ पर नीचे कमर में हम प्लेट डालते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से भी डाल सकते हैं। और हम इसमें सेंटर में प्लेट डालेंगे, तो शोल्डर से लेके 11.5 इंच तक प्लेट का पॉइंट देंगे। और जो हम ये बीच में प्लेट डालेंगे वो ऊपर से लेके 6 इंच तक यहाँ पर पॉइंट देंगे। ऊपर से हमने 6 इंच लिया है और टोटल लेंथ इसकी 11.5 इंच लिया है, तो हम इसको 5.5 इंच की ये प्लेट डालेंगे सेंटर में। और ये प्लेट 2 प्लेट फ्रंट में और 2 प्लेट बैक साइड, दोनों साइड सेम प्लेट डालेंगे। तो आप यहाँ से इस तरह से मेजर करें, 3.5 इंच लिया है यहाँ पे, और सेम हम इस दूसरी साइड में भी इसी तरह पॉइंट देंगे। इसी तरह बैक साइड पीस में भी पॉइंट देंगे। जैसे बैक साइड नेक है, बैक साइड नेक कितना 5 इंच, तैयार में हम 4.5 इंच रखेंगे, हमने 5 इंच कटिंग में रखा है।
इसकी गहराई लेंगे 2 इंच, शोल्डर से भी 2 इंच, और इसको स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इसको हम स्क्वायर रख रहे हैं बैक साइड में, जैसे बैक साइड ओपन रखनी है तो ये क्लोज है, इसको भी हम अलग करते हैं। अब जैसे हमने फ्रंट में प्लेट का पॉइंट दिया है, सेम पॉइंट बैक साइड में भी देंगे। और ये प्लेट का भी सेम दोनों साइड। और इसी तरह में जो ब्लाउज पीस है उसको भी कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से है, ये साइड में प्लेट आएंगे और यहाँ पे हम काज पट्टी लगाएंगे और इधर हम हुक पट्टी लगाएंगे, और इस तरह से ये फ्रंट पीस आएगा टू साइड में। और यहाँ पे नेक पट्टी क्रॉस में कट करके यहाँ पे अटैच करेंगे, जैसे स्लीवलेस है यहाँ पे भी क्रॉस करके हम पट्टी अटैच करेंगे। जैसा कि मैंने ये ब्लाउज कट कर लिया है, जो हुक पट्टी और काज पट्टी है वो आपको बताते हैं, और जो हमको नेक में अटैच करनी है और स्लीवलेस है यहाँ पर अटैच करनी है वो भी बताते हैं। जैसे कि ये कपड़ा है बचा हुआ साइड का, तो हम इसको इस तरह से ये पट्टी जो कट करते हैं ये हम हुक पट्टी की तरफ लगाते हैं, इसको अंदर की साइड लगाएंगे। और जो ब्लाउज का कपड़ा है इसमें हम काज पट्टी लगाएंगे इसके। अभी आपको नेक कटी नेक में जो कटिंग लगानी है, जैसे हमने ये ड्राफ्ट रखा है, ये बैक साइड का है और ये फ्रंट का है, तो सेम ड्राफ्ट रख के हम ये पट्टी इसमें कट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कम पड़ रहा है तो हम इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे कपड़ा कम होता है तो आप इसको इस तरह से रख के उसकी लंबाई पूरी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको स्टिचिंग डाल देंगे तो यहाँ से एक लूप जाएगा। जैसे ही पट कट कर लिए, जैसे उसी तरह हम ये कैनवास भी कट करके इसमें अटैच करेंगे। जैसे ये फ्रंट है तो फ्रंट हमारी लेंथ कंप्लीट है। जैसे फ्रंट बैक हमारे दोनों पट्टी तैयार हुई है। जैसे कि आपके पास कपड़ा नहीं बचता है तो जो हमारे ये कपड़े बचते हैं नेक डिजाइन के साइड के ऊपर, इसी को हम इस तरह से क्रॉस में रख के और ये क्रॉस में 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करते हैं। जैसे इसी तरह मैं दूसरी पट्टियां भी कट कर लूंगी। जब हम जॉइंट करते हैं समय ये पट्टियों को क्रॉस में इस तरह से जॉइंट करते हैं। क्रॉस में जॉइंट करने के बाद इसको डबल करके फिर जो हम मुड्ढे में लगाएंगे स्लीवलेस है उसमें इस तरह से हम लगा सकते हैं, और सेम ड्राफ्ट रख के हम ब्लाउज कट करेंगे। जैसे ये बैक पीस है, ये फ्रंट पीस है, ये मैंने सेम ड्राफ्ट रख के कट कर लिया है। ये इस तरह से आएगा, इसके अंदर हम लाइनिंग अटैच कर देंगे। उसके बाद हमने जो नेक पट्टी कट की है सेम कैनवास करके इसको भी इसके ऊपर ही अटैच कर देंगे। तो पट्टी हम जो कैनवास लगाने के बाद इसको इस तरह से नेक में अटैच करेंगे और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और जो हमने ये क्रॉस में पट्टी की है वो यहाँ पे हम अटैच करेंगे। इसलिए नेक लगाने के बाद आगे पीछे दोनों पीसों को शोल्डर से जॉइंट कर देंगे, और जो हमने ये क्रॉस में पट्टी कट करी है इन पट्टियों को हम इस तरह से डबल करने के बाद
यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे, इसमें कोई फ्रिल नहीं डालनी है, सीधे ही इसको अटैच करना है। और आप जैसे नॉर्मल ब्लाउज में फिटिंग देते हैं बच्चों को, मैं सेम आपको फिटिंग उसी तरह देनी है। जैसे ये नीचे पावड़ा रहेगा, ये ऊपर उसके ब्लाउज रहेगा। तो तैयार होने के बाद जैसे आप ब्लाउज तैयार कर लेंगे, पावड़ा तैयार करेंगे, तो जो हमारा इसका जो बॉडी हम ब्लू कलर का ऊपर डाल है लाइनिंग का, वो इससे कवर हो जाएगी ब्लाउज से। वो कवर होते हुए ब्लाउज इस तरह से ऊपर से आएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।